देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अबे चश्मा पहन के गाड़ी चलाते है, आंखें फूट गया क्या तेरी? घर को उजाड़ दिया हमारा, पी रहा है क्या? ऋषभ ये सब हो क्या रहा है? ये लोग शौर्य से लड़ क्यों रहे हैं? चलो चल के देखते हैं। अच्छे से कह रहा हूँ, चाबी वापस करो, वरना मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। अरे बुला लो पुलिस को, मैं डरता नहीं। अरे अमीर बाप का बेटा है तो कुछ भी करेगा क्या? क्या हुआ क्या शौर्य? आप लोग कहाँ से आ गए? लुक डैड, आप इसमें इन्वॉल्व मत होइए। ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा मामला। अरे मामला नहीं, मौत है। तुम मौत बन के आए तो हमारे घरों पर मतलब मर जाते इस गाड़ी के नीचे। अभी कोई बात नहीं होगी, रुक। क्या बात अभी होगी? तूने हमारे घरों पे गाड़ी चलाई और कहता है बातें, अभी बात कर दी है। पुलिस को बुलाएगा तू? बुला पुलिस को, बुला ना। अभी कह रहा हूँ कोई बात नहीं होगी। जो बात होगी यही होगी। हमें पुलिस की धमकी दे रहे हो, गलती भी तुम्हारी और धमकी भी तुम्हारी। चलो जाके बुलाओ पुलिस को। हाँ बुला पुलिस को, डरते नहीं हम। जस्ट गेट लॉस्ट। एक मिनट यार, शट अप, जस्ट शट अप। भाई साहब आप मुझे बताइए कि हुआ क्या? क्या नहीं हुआ साहब? यहाँ ये देखिए, इस बदतमीज लड़के ने ये जीप अपने फुटपाथ पर चढ़ा दी हमारे घरों पे। हम लोग मर जाते साहब, हम लोग मरते मरते बच गए। हमारा घर है ये साहब, हमारा आसरा है, और साहब हम गरीबों के घर को बर्बाद कर दिया इसने। जी हाँ साहब, अगर हम घर में सोए होते तो मर ही जाते ना। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम सब लोग घरों से बाहर थे, नहीं तो ये गाड़ी के नीचे तो हम सब लोग मर जाते, कुचले जाते साहब। लेकिन हमारा घर तो टूट गया ना साहब। तो किसने बोला था तुमको रोड पे घर बनाने के लिए? ये सब कौन सा रूल है हा? तुम लोगों की वजह से इंडिया का लुक खराब हो चुका है। रोड बनी है गाड़ियां चलने के लिए, तुम लोगों के घर बनाने के लिए नहीं। जिसके लॉस। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो इन सबको ध्यान से देखो, हम सब लोग जानते हैं कि ये लोग यहाँ फुटपाथ पर रहते हैं, और रूल ये कहता है कि गाड़ियां रोड पर चलती हैं, फुटपाथ पर नहीं। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, रोड बनी है गाड़ियों के लिए, फुटपाथ नहीं बने हैं, इसलिए रूल तुमने ब्रेक किया है। हो सकता है कि इनके फुटपाथ पर बने छोटे छोटे घर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन यही छोटे छोटे घर इनका घर है, इनका सहारा है। गलती की है तुमने, माफी मांगो इनसे। मेरी कोई गलती नहीं है डैड। Why should I be? And say sorry to them right now. Sorry. सुना नहीं मैंने? Say louder. अरे पर बोला उसने सॉरी, जिनको बोलने की जरूरत थी उनको सॉरी बोला उसने। तू इतना गुस्सा मत कर, इसकी तरफ से मैं आप सबसे सॉरी बोल रहा हूँ। जो भी आपका नुकसान हुआ है वो सब हम लोग भरेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तू इधर आ मेरे साथ। चाबी दो। अरे तू देखिए, मेरे बेटे ने जो भी गलती किया उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अरे साहब नहीं नहीं, आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं करूँगा, आप सबके लिए नए घर मैं बनवा कर दूंगा। अरे साहब आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी साहब हम पर। ठीक है। हाँ साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं साहब, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है साहब। हाँ साहब, चिंता मत कीजिए। राजा एक काम करो, इन सबसे इनके आईडी प्रूफ लो, इनके आधार कार्ड कलेक्ट करो, ठीक है? बहुत मेहरबानी होगी साहब आपकी, बहुत मेहरबानी होगी, बहुत मेहरबानी आपकी। अब तू एक शब्द नहीं बोलेगा, एक शब्द भी तू बोलेगा नहीं। जस्ट काम डाउन। काम डाउन? व्हाट काम डाउन? ये मेरे डैड हैं कि हिटलर? उन सब लोगों के सामने जिन लोगों ने मुझसे इतनी फाइट की, उन सब के सामने मुझे इतना डांटा, उन सब के सामने मेरी रिस्पेक्ट की बैंड बजा दी, ऑफिस स्टाफ के सामने मेरी बैंड बजा दी, और मैं काम डाउन रहूं? दिस इज नॉट फेयर। वो इतने डेडली हैं, आई रियली कैन नॉट टेक दिस। आई हेट करण लूथरा। तू मेरी बात सुने ना, ठंडा पानी थोड़ा सर पे डाल, ठीक हो जाएगा सर। टेंशन मत ले, पापा हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। एक काम करो, उस फैमिली को हमारे लो बजट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दो, और एक बात ध्यान में रहे, वो लोग रोड पे नहीं सोने चाहिए। राइट। मेरे बेटे जैसे पता नहीं कितने लड़के हैं जिनको अकल नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि गाड़ी डिवाइडर पे नहीं रोड पे चलाई जाती है। Idiots. एक काम करो, उस फैमिली का सारा आईडी प्रूफ लो, उनका एड्रेस लो,
और जितना जल्दी हो सके उनके लिए घर अरेंज करो. ओके, यू कैन गो नाउ. क्या कहता है तू? करण लूथरा द बेस्ट बिजनेसमैन है. हूंगा मैं द बेस्ट बिजनेसमैन, लेकिन आई एम अ फेल्ड फादर. एक अच्छा पाप नहीं बन पाया मैं. पता है तुझे, बिजनेस में बड़ी से बड़ी डील क्रैक कर सकता हूं, लेकिन लेकिन शौर्य को हैंडल नहीं कर सकता. इस दुनिया के हर इंसान को समझ सकता हूं, लेकिन इस शौर्य को समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कम डाउन. ये पानी पी. नहीं, अब तू मुझे पानी पिला के ठंडा होने के लिए मत कहिए. और ये कि जस्ट काम डाउन, ये तो बिल्कुल मत कहना. अच्छा भाई, नहीं कहूंगा. पानी तो पी सकता, पानी से क्या दुश्मनी है. ले पानी पी. अच्छा पी ले अब. हाँ, मैं पानी पी रहा हूँ. गुस्सा मत कर. शौर्य कहाँ है? घर जाने के लिए कहा है उसको अभी. निधि को कहना पड़ेगा कि शौर्य को समझाए कि उसको कुछ सभ्यता दे, संस्कार दे, विनम्रता सिखाए. हमेशा हवा में उड़ता रहता है. उसे जमीन पर रहना सिखाए. लोग जमीन पर रहते हैं. इंसान और इंसानियत की भाषा समझे वो. अरे उम्र है उसकी उड़ने की, उसको उड़ने दे मेरे भाई. तेरी भी उम्र थी जब तू अपनी उम्र में उड़ता था. तू भी I'm dead sure मैम, इस शौर्य की तरह तो नहीं था. मॉम को फोन लगाऊ, अभी बताऊ कहाँ उड़ता था तू. कमऑन ऋषभ, अब कमऑन क्या, ये फैक्ट है. अब चल तू पानी पी. ये ले, मैं जरा आता हूँ कुछ काम करके. सुबह से कुछ काम नहीं किया. कॉफी पी और दिमाग ठंडा रख अपना. श्योर है? सीट नंबर क्या है? 5AB. हाँ बोल रही हूँ, दिख गई. आ जा. पता है मैं पहले भी मुंबई गई हुई. सृष्टि और मैं पहले मुंबई रहते थे. वहां मैं प्रैक्टिस करती थी ना अपनी फिजियोथेरेपी बड़े हॉस्पिटल में. फिर मुझे याद नहीं आ रहा कि सृष्टि की कब शादी हो गई और तू हो गया. आपको मुझे सच बताना ही पड़ेगा. मैं अपनी माँ को माँ क्यों नहीं बुला सकता? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ. मैंने तुझे पाला है. क्या ये कम है? क्या ये कम है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है? ये जानना है ना कि मैं तेरे और दी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता तुझसे क्यों छुपाया? तेरे हर सवाल के पीछे मेरा बस एक ही जवाब है. दी को खुद नहीं पता कि तू उनका बेटा है. अरे इनको तो ये तक नहीं पता है कि इन्होंने तुझे जन्म दिया है. एक काम तो बहुत अच्छा किया उस लड़की ने, जो तुझे दे दिया मुझे. जब तू मेरे साथ होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है. शांति और सिक्योरिटी लगती है. ऐसा लगता है कि अब कोई मेरी तरफ आंख उड़ाकर देखे, तू मेरी ढाल बनकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा और कोई मुसीबत मुझ पर नहीं आने देगा. नहीं आने देगा ना? अब तो दुनिया के खैर नहीं. मेरे साथ मेरा राजवीर है. मैं भी क्या बोलते जा रही हूँ ना, मुझे कभी कभी खुद ही समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलती हूँ. तो तुझे क्या समझाऊं? लेकिन एक बात जरूर है, जब तू मेरे साथ होता है ना, तो मेरे दिमाग में ना बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं. लेकिन उन सब ख्यालों में से सबसे गहरा ख्याल होता है कि तू मेरा है. मजा आएगा मुंबई जाने में. हाँ माँ, मैं आपके लिए ही आया हूँ और आपसे ही आया हूँ. आपका ही हूँ, इसलिए मुझे देखकर आपको अच्छा लगता है. मैं आपको इतना अपना सा लगता हूँ. जीना जीना रे
पूरा गुलाल माई तेरी चूनरियाल लहराए। मासी आप हमेशा मेरे दिल की बात समझ जाती हैं, जैसे आप ही मेरी माँ हैं। तेरी प्रीत का और आप मेरी बुद्ध हूँ माँ। इसका नाम तो कृष्णा होना चाहिए, कृष्णा। कृष्णा की तरह लीलाएं रचता है, नखट है, शरारते करता है, बदमाश है, पूरा का पूरा कृष्णा है ये। जब जब मुझे पे उठा सब तेरे जूते मैंने सिल दिए, ठीक लग रहे हैं ना? जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मां। माइरे माइरे, अकेले तो हम तुझे नहीं भेजेंगे, वहां जाकर तुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। तुझे वहां पर तेरे पैर जमाने होंगे और उसके लिए तेरी फैमिली का तेरे साथ होना बहुत जरूरी है। तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला? लूथरा परिवार। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। तू करण लूथरा का बेटा है। आप सालों पहले जब पहली बार मुंबई गई थी तो आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था, और अब मैं पहली बार मुंबई जा रहा हूं तो उस इंसान के कर्मों का अंजाम देने जिसने आपके साथ गलत किया। आज आपका बेटा मुंबई जा रहा है अपने डैड को बर्बाद करने, आपकी बर्बादी का बदला लेने। तुझे पता मुंबई शहर बहुत अच्छा शहर है, पता नहीं कितने लोगों के सपने पूरे हुए हैं वहां पर। ये नहीं जानता तू? अरे मुंबई शहर को सपनों का शहर कहते हैं, लोगों के दिलों की तमन्नाओं का शहर कहते हैं, सितारों का शहर कहते हैं, दरिया और किनारों का शहर। एक्साइटेड? मैं भी एक आग का दरिया लेकर मुंबई जा रहा हूँ। आग का दरिया लेकर? मैं एक बहुत बड़ा सपना लेकर मुंबई जा रहा हूँ, और मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हो जाता। तेरे सारे सपने पूरे हो जाए, माँ तेरे सारे सपने पूरे करेगी। जो तूने दिल में ठाना है ना वो तू करके रहेगा, मैं कहती हूँ। अब तो मुझे माँ का आशीर्वाद भी मिल गया। मासी का आशीर्वाद? अब तो मेरा सपना पूरा होकर ही रहेगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। अरे थोड़े अच्छे गाने लगा दो। मेरी माँ को तड़पाने का बदला लेना है करण लूथरा से। हाँ करण। निधि शौर्य घर पहुंचा? नहीं शौर्य घर नहीं पहुंचा। क्या हुआ? यू साउंड वेरी अपसेट, ऑल ओके? अपसेट ना हूं तो क्या हूं? कभी खुशी में मैंने शौर्य के बारे में बात किया तुमसे? निधि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पूरे घर में वो सिर्फ तुम्हारी सुनता है और तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनता है। आज जब शौर्य घर आए ना तो उससे कहना कि वो घर पर ही रहे, वो बाहर नहीं निकलेगा जब तक वो इंसान नहीं बन जाता। उसे इंसानियत समझ नहीं आ जाती। यार रिश्ते इंसानियत क्या होती है कुछ समझ नहीं आता इसको। करण जस्ट काम डाउन, प्लीज काम डाउन, कैच योर ब्रेथ। अब मुझे शांति से बताओ कि हुआ क्या है? शौर्य ने कुछ किया? शौर्य ठीक तो है? अरे किया कुछ नहीं है, आज बहुत कुछ हो सकता था। डिवाइडर पे जो लोग रहते हैं ना उनमें से एक फैमिली पे इसने ऑलमोस्ट गाड़ी चढ़ा दी थी। अगर उनमें से किसी को कुछ हो जाता ना तो इतना लंबा केस होता ना इसके ऊपर, इतनी लंबी सजा होती, तुम सोच भी नहीं सकती। और निधि शौर्य को समझाओ कि जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है, बी रिस्पॉन्सिबल। करण जस्ट काम डाउन, ओके? अब देखो करण तुम तो जानती हो कि शौर्य सिर्फ मेरी बात मानता है। तो मैं उससे बात करूंगी ना, मैं उसे समझाऊंगी एंड आई नो वो मेरी बात जरूर मानेगा। So you just relax and leave this to me, right? Thank you so much, Nidhi. You're welcome. चल ठीक है, बाकी बातें मैं घर आके करता हूँ। Sure.
शौर्य। हाय बेटा। सो मिस्टर हिटलर ने क्या कहा, मुझे घर में बंद कर दिया जाए? अंडरग्राउंड? शट अप एंड स्टॉप कॉलिंग योर फादर हिटलर। वेल जी हाँ, कहा तो है कि तुम्हें घर पे रखना है, कहीं बाहर नहीं जाने देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ऐसे करोगी, मुझे घर में बंद करोगी? ऑफ कोर्स नॉट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। बट लिसन, अभी फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी टेंस्ड है, सो जब तक तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, वो वापस बिजनेस में बिजी नहीं हो जाते, यू मेक श्योर यू अवॉइड हिम, ओके? मॉम, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। मैं तो आपसे अपनी सगी माँ प्रीता से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। जिनके लेक्चर दादी अक्सर दिया करती है, हमारी घर की बूढ़िया भी ना, दे आर सच क्रैकपॉट्स। मुझे तो इनकी ये 50 प्लस जवानियां समझ ही नहीं आती। वैसे इस घर में एक आप ही तो हो जो मुझे समझती हो, जो मेरी साइड हो। आई लव यू मॉम, आई लव यू अ लॉट, एंड आई लव यू टू। और सुनो, नो मोर ट्रबल, और अपना ध्यान रखना। ओके मॉम, लव यू। काश कि भगवान जी कोई चमत्कार कर दे और हमारी प्रीता अपने इस घर में वापस आ जाए और ये घर घर बन जाए। नहीं रोते सोनू बेटा। ए मेरा बच्चा, वो माँ कब बोलेगा मुझे, जल्दी से बड़ा हो, मेरे कान तरस रहे हैं तेरे मुंह से माँ सुनने के लिए। तुझे क्या पता, एक माँ को अपने बच्चे के मुंह से माँ सुनना कितना अच्छा लगता है। माँ बोल मुझे, बोल। अरे बोलेगा ना साता, जब वो बड़ा होगा ना तो सब बोलेगा। आई होप सोनू के पापा ये जल्दी से बड़ा हो, मैं इसके मुंह से माँ सुनने के लिए तरस रही हूँ। माँ बनने से ज्यादा खुशी एक औरत की जिंदगी में क्या हो सकती है, माँ बन के ही तो एक औरत पूरी होती है। शारदा, वो दिन जल्दी आएगा जब अपना सोनू तुम्हें माँ और मुझे पापा कहेगा। सोनू नहीं रोते बेटा। क्या करिए, मार रही है, खबरदार, बड़ा हो गया मेरा बेटा, अब इससे प्यार से बात करके इसे समझाना होगा, खबरदार जो मारा तो। ऐसे क्या देख रही है, तुझसे ज्यादा ये मेरा बेटा है। आपको भी बहुत अच्छा लगता, आपको भी बहुत खुशी मिलती अगर आपको पता होता कि मैं आपका बेटा हूँ, और फिर जब मैं आपको माँ कहकर बुलाता तो आपके दिल को वही सुकून मिलता जो इस आंटी को चाहिए। माँ कौन कहता है कि आप बीमार हैं, आप अकेली हैं? नहीं माँ, यू आर अ कंप्लीट वुमेन, माँ है आप मेरी। करण लूथरा से शादी हुई थी आपकी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू थी आप, लोग तो वो अच्छे नहीं थे, आपने तो उनको प्यार दिया पर वो परिवार आपके प्यार के लायक नहीं था। यू करण लूथरा, आपने मेरी माँ के साथ जो किया और जो होने दिया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपने मेरी माँ से उनका माँ होने का सम्मान छीना है, मुझसे अपनी ही माँ को माँ कहने का हक छीना है। बी रेडी द करण लूथरा, अब आपसे भी आपका बहुत कुछ छीन लूंगा मैं आ रहा हूं, बी प्रिपेयर्ड द करण लूथरा। रोड बनी है गाड़ियों के लिए, फुटपाथ नहीं बने हैं, इसलिए रूल तुमने ब्रेक किया है, गलती की है तुमने, माफी मांगो इनसे। मेरी कोई गलती नहीं है डैड। जस्ट शट अप एंड से सॉरी टू देम राइट नाउ।
Hey dude, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि हम तेरे फार्म हाउस जा रहे हैं? Wow, फार्म हाउस? यार शौर्या, हमें पहले बताना चाहिए था, हम थोड़ी प्रेपरेशंस कर लेते यार। After all, enjoy ही तो करने जा रहे हैं। Yes, enjoy तो हम इस रास्ते को भी करेंगे। Come on. You know, वो शौर्या अपने स्नेकर्स को लेकर थोड़ा सा वारे डाना। You understand ना? थोड़ा सा स्पेस देते हैं उसे। अगर प्रीता आज हमारे साथ होती तो शौर्य ऐसा कभी नहीं होता। प्रीता ऐसे भी अपनी तरह बनाती। नफरत करता हूं मैं दोनों से, मेरी सगी माँ और सगे बाप, दोनों से नफरत है मुझे। I hate you both. You know guys, शौर्य का फार्म हाउस, I love it. वो फार्म हाउस नहीं, एक वेकेशन स्पॉट है। No rules, no time, just enjoy. Freakiness. और सबसे बड़ी बात, no supervision. Wow, तब तो और मजा आएगा। हमें वहां रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। Girls, beer. Over. Don't worry, dude. पासी में एक ढाबा है, वहां से ले लेंगे। In fact, कुछ पटियाला पैक भी लेते हैं।